In our brand new episode of Aditya Birla Sun Life Insurance Presence Beyond the Boundary, powered by Alista, we spoke to India's Shabnam MD. So let's see how the conversation unfolded there. पहला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपका सिलेक्शन हो गया अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। आपको पता कैसे चला कि आपका सिलेक्शन हो गया? मैं मतलब बीसीसीआई ऐप में देखा था, ऐसे नोटिफिकेशन आया कि स्क्वाड अनाउंस हुआ, तो मैं और हर्ली काला मेरी रूम पार्टनर है, तो दोनों साथ में देखा है, तो देखने के जल्दी बहुत शॉक में थे दोनों। वी एंजॉयड दैट मोमेंट। और मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? वो लोग भी बहुत अच्छा न्यूज आया, वेल डन, दे वर लाइक अच्छा हुआ एंड नेक्स्ट मैच भी अच्छा परफॉर्म करना है। यस। क्रिकेट खेलना चालू कैसे किया आपने? मैं 8 इयर्स की थी तब स्टार्ट किया मैम मैंने क्रिकेट, मतलब हीमोग्लोबिन के वजह से स्टार्ट किया, मतलब वो कम था हीमोग्लोबिन, तो पापा ने सोचा फिजिकल एक्टिविटीज में रखते थे, तो पापा का बैकग्राउंड भी क्रिकेट है, तो पापा भी क्रिकेट खेलते थे, तो एकेडमी में ज्वाइन किया है। मुझे भी मतलब हेल्थ भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो मुझे भी इंटरेस्ट आ गया क्रिकेट के ऊपर, तो मैंने ऐसे कंटिन्यू किया है। तो आप 8 साल की थी तब से आपने क्रिकेट खेलना चालू कर दिया, तो आपको याद है कि पहला दिन जब आपने खेलना चालू कर दिया तो वो कैसा था, याद है कुछ उस दिन के बारे में? लाइक फर्स्ट दिन मैं लेट हो गई थी एकेडमी के लिए, फर्स्ट दिन ही तो लाइक हमारे सर बहुत सिंसियर एंड डेडिकेशन है, सर ने बोला फर्स्ट इम्प्रेशन इज गुड इम्प्रेशन, लेकिन तू फर्स्ट दिन लेट आई, लेकिन ये फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर को टाइम सेंस बहुत, मतलब टाइम मेंटेन करना बहुत पसंद है, तो तब से मैं सर फर्स्ट सर के लिए करती थी, उसके बाद मुझे भी पता चला क्यों मेंटेन करना है टाइमिंग सब कुछ, तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो वो सर का नाम क्या है आपके कोच का? राजू सर। बॉलिंग कैसे चालू हुआ, क्योंकि यूजुअली ऐसा हो जाता है कि बच्चे बैट पकड़ना चालू कर देते हैं अर्ली इयर्स में, आपने बॉलिंग कैसे चूज कर दिया? मुझे भी स्टार्टिंग बैट ही पकड़ मतलब स्टार्टिंग बैटिंग से ही स्टार्ट किया मैंने भी, लेकिन बोलर्स जब बोलर्स को देखती हुई थी मुझे में भी कुछ एंथुसियाज्म, लाइक मुझे भी बैट्समैन को डिफीट करना है, जोर से डालना है, ऐसे लगता था, तो मैंने डायरेक्ट सेलेक्शंस में किया है बॉलिंग, मतलब बोलर्स नहीं थे सेलेक्शंस में, तो ऐसे ही। तो नाउ आपको इंडिया का जो जर्सी है तो नंबर कौन सा है आपका? अब 27 है। और उसका क्यों चूज किया आपने 27? पहले 17 था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एंड स्कूल का रोल नंबर भी था, तो यस। आपकी जो ट्रेनिंग की ऐसी कुछ मेमोरी है कि आपने कभी बॉयज के साथ खेला है और ऐसा है कि उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसा कुछ मेमोरी है आपका ट्रेनिंग का? यस मैम, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर पूरा बॉयज के साथ ही ट्रैवल किया, बॉयज सीनियर टीम के साथ, तो सर ना लड़की और लड़के पे डिफ्रेंशिएट नहीं दिखाते मेरे कोच पर्सनली, तो सर ने मुझे पूरा ईयर पूरा मैंने मैक्सिमम बॉयज के साथ ही ट्रैवल किया है, लाइक हमारा मैचेस चल रहा था, बीपीपीएल भी हुआ, लाइक वाइजैग प्रीमियर लीग, वहाँ पे भी लाइक पूरा टीम में सिर्फ 2 जन लड़की थे और एक मैं और एक हमारे नेबर भी थी। अच्छा, तो ये जैसा रहता है ना कि बॉयज के साथ खेलना है, तो उनका रिएक्शन कैसा था कि अरे हमारे साथ एक लड़की खेल रही है, ऐसा था कि सब वो बॉयज ने भी आपको सपोर्ट कर दिया था? हमारे टीम में कुछ डिफरेंशिएट नहीं था, लेकिन ओपोनेंट में था, तो उन्होंने डायरेक्ट कोच से बात किया जब मैं बॉलिंग कर रही थी, तो सर ने बोला नहीं वो बॉलिंग अच्छा करती है, तो नेक्स्ट बॉल मैंने बाउंसर किया है, तो वो कोच ने बोला नहीं सर आपने सही प्लेयर को लाया है। आपको जो चूज करना है यॉर्कर या बाउंसर में से, तो कौन सा पसंद है बॉल डालने को? ऑफ कोर्स बाउंसर ही ट्राई करना है। बाउंसर ही पसंद है। तो ऐसा कुछ मेमोरी है आपका कि किसी आपके इंडिया टीममेट हो या फिर अभी ये वाइजैग वाली सीरीज है, आपने बाउंसर डाल दिया और आपको विकेट मिल गई और जो प्लान किया था वैसे एग्जीक्यूट हो गया परफेक्टली? ये गोवा में ही जब मैं सेकेंड मैच खेल रही थी, हमारे कैप्टन सौम्या तिवारी है, तो मैं बाउंसर डालना चाहती थी क्योंकि विकेट मिला और न्यू बैट्समैन आई, तो मैंने बोला सौम्या बाउंसर डालने वाली, उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, उसने फील भी रखा, उसने बोला भाई तू जो करना चाहती है फुल कॉन्फिडेंस से कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस और टीम का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत बूस्ट किया और अच्छा चला वो बाउंसर, लाइक शी वॉज लाइक सरप्राइज बैट्समैन फर्स्ट बॉल ऐसे। और आपने जब वो इंडिया वाली जर्सी पहली बार देखी तो ऐसा कैसा था फीलिंग कि यार फाइनली इसका ड्रीम किया था इतने साल से वो फाइनली हाथ में आ गया?
हाँ जब हम सब लोग ने साथ में थे तो जब जर्सी हमारे हाथ में आए थे लाइक गूज बम्स आने लगे हम लोग को, बहुत अच्छा फील आ रहा था। थोड़े लोग तो रोने भी लगे कि वो जर्सी देख के वो सिंबल। वाह क्या बात है। फिर ये जो न्यूजीलैंड वाले मैच हुए थे मुंबई में डेवलपमेंट न्यूजीलैंड डेवलपमेंट स्क्वाड के अगेंस्ट, तो उसमें आपने देखा कि आप जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फॉरेन नेशन के प्लेयर्स है उनके अगेंस्ट खेलना था, बेटर प्लानिंग करनी थी, एग्जीक्यूशन करना था, उसमें भी इंडिया ने 5-0 से सीरीज जीत ली, तो वो कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर था आपके लिए? बहुत, क्योंकि हमारे मेन टारगेट था 5-0, वही है वही था हमारा मेन टारगेट, तो लाइक उतना लो कॉन्फिडेंस भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, लाइक वी शुड बी कॉन्फिडेंस से जा रहे थे हम लोग वन बाय वन लाइक मैच, मतलब डे वन से स्टार्ट एंड जो पास हुआ है वो वहाँ पे ही छोड़ दो, या तो जीते या हार दो लेकिन वहाँ पे ही छोड़ दो, एंड हर दिन नया मैच है हम लोग को, ऐसे ही खेल रहे थे। और न्यूशिन मैम भी लाइक ज़्यादा लाइक जो हम लोग को समझ में आता है ऐसे ही बोलते थे, लाइक सिंपल रखते थे सब सारे चीज़ें। बहुत अच्छा चल रहा था हमारा कैंप, बहुत अच्छा हुआ न्यूजीलैंड सीरीज। और ये न्यूशिन मैम जो है वो गोल्डन टच है उनका, जो जो डोमेस्टिक टीम्स को उन्होंने कोच किया है वो जीत के वापस आ गई है, और एक बहुत ही ऐसी फेवरेट है, प्लेयर्स की फेवरेट कोच है वो, तो वो उनके अंडर कोचिंग लेना, उनके सुनना, उसका उनका सबसे नॉलेज अब्सॉर्ब करना, हाउ इज दैट? जो आपने बोला है मतलब फेवरेट कोच है, उन्होंने मैं भी एक हूँ जो प्लेयर, तो मुझे बहुत पसंद है नूशीन मैम से वर्क करने का, लाइक वो मेरा फेवरेट है, एंड बहुत अच्छा लगा मैम से, लाइक बहुत मस्त था, एंड सीरियस टाइम सीरियस, एंड जब फनी टाइम फनी, लाइक बहुत सब कुछ बैलेंस कर रहे थे मैम। तो आपके पापा को पता है कि क्रिकेटिंग जर्नी में क्या ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा है आपको? ये फैमिली का सपोर्ट बहुत है, पापा अभी भी बोलते हैं कि बेटा अप एंड डाउन सब भी अभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो बहुत मतलब बहुत ध्यान से रहना है, अप होने से भी ज़्यादा खुशी नहीं होना है, डाउन होने से भी ज़्यादा दुखी नहीं होना है, हमारे स्टैंडर्ड्स को ऐसे ही मेंटेन करना है, और दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखते ही जाना है, ऐसे ही बोलते हैं पापा तो हर रोज। ऐसी कुछ मेमोरी है आपकी कि आप ट्रेनिंग जा रहे हो सुबह उठ के, शाम को स्कूल करके, सब फिर से ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हो, और ऐसा है कि कोई बड़े लोग है फैमिली में बोल रहे कि कितना काम करवा रहे हो बच्ची से, थोड़ा थोड़ा रेस्ट तो दो उसको, और फैमिली ने आपको प्रोटेक्ट किया है, सब कुछ है मेमोरी आपका? हाँ हुआ है, क्योंकि मैं सुबह 4:30 को कुछ छूट रही थी और प्रैक्टिस जाके स्कूल से, स्कूल से और हमारे ग्राउंड 1.5 जर्नी है यहाँ से, मैं बस में जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत ट्रेन हो जाती हूँ, प्रैक्टिस के बाद फिर से मैं ट्रेनिंग जाती हूँ, और कुछ रात को 9:30 को आ रही थी घर, तो हमारे रिलेटिव्स ने बोला है यार कितना तक आएगी बेटे, बहुत छोटी है थोड़ा तो एंजॉय करने, तो पापा ने बोला मुझे कुछ शौक है क्या उसको तक करना, लेकिन अब डोज करना है तो तभी तो ऐसे ही बहुत सब ऐसे ही चल रहा था। और ऐसा कुछ था कि जो लोग होते हैं इन्होंने बोला कि बच्ची है क्यों खिला रहे हो, बेटी है, लड़का होता तो देख लेंगे, लड़की है क्यों खिला रहे हो, ऐसा किसी ने बोला था, और आपके पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा तो खेल रही है इसीलिए खेलने दे रहे इसको, ऐसा कभी हुआ है कुछ? लाइक हमारे घर के पास एक ऑटो अंकल थे, तो वो अंकल हर रोज मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो अंकल ने पूछा तू कौन सा क्लास पढ़ रही बेटा, मतलब कुछ रिसेंट एनसी आने के पहले, तो मैंने बोला 10th, तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर, क्रिकेट विकेट कुछ नहीं है, तो ऐसे बोले थे, मैं सुन रही मैंने बोला अंकल ऐसे कुछ नहीं है, मैं जो करियर चूज किया है मैं उस पर फुल फ्लेज्ड रहूंगी, तो तभी मेरे पापा भी आए मुझे पिक करने को, तो पापा ने पूरा समझा दिया अंकल को। ये वर्ल्ड कप जो है पहला है, आपने तो वो पहले U19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट होके ऑलरेडी हिस्ट्री बना दी है, जब आप साउथ अफ्रीका जाओगे तो और एक हिस्ट्री बढ़ेगी, उसमें ऐड हो जाएगी, तो कितने एक्साइटेड है आप लोग U19 वर्ल्ड कप के लिए? बहुत एक्साइटेड है, हम सोच रहे हैं कि दिन कितना जल्दी बीतेगा, ये रेस्ट डे कितना जल्दी खेलेंगे हम मैच के लिए, वो बहुत हम बहुत एक्साइटेड है मैच के लिए। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट एलईडी टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स,